कि गोरखपुर में बाबा योगी के मठ की नाक के नीचे, गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज में भीम ज्योति बुद्ध विहार पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। भंते जी ने स्वयं मुझे फोन किया है कि भंते जी बचा लो, बुद्ध विहार लोगों ने कब्जा कर लिया है। आज संविधान है, आज तुम्हारी 200 पार्टियां हैं, 1,00,000 संगठन हैं, आंखों में आंखें डालकर तुम बातें कर लेते हो, तब ये दशा है कि तुम्हारे बुद्ध विहारों पर कब्जा हो रहा है। और मैं ये वीडियो ट्वीट करूंगा, फेसबुक पर डालूंगा, इसको व्हाट्सएप पर डालूंगा और बाबा योगी के सीएमओ पीएमओ हर जगह भेजूंगा ताकि उन्हें पता चले कि देश में हो क्या रहा है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी खबर मिली है कि गोरखपुर में बाबा योगी के मठ की नाक के नीचे, गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज में भीम ज्योति बुद्ध विहार पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। मैं आपको बताऊं, आज के 30 वर्ष पहले भीम ज्योति बुद्ध विहार का शिलान्यास किया गया। 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाउंड्री वॉल की गई, यात्रियों के लिए एक विश्रामालय बनाया गया और पिछले 30 वर्ष से भंते उत्तरानंद वहां निवास करते हैं, रहते हैं। अभी आज ही मुझे खबर मिली है, भंते जी ने स्वयं मुझे फोन किया है कि भंते जी बचा लो, बुद्ध विहार लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब ये बुद्ध विहार बनाया गया उस समय बहुत सस्ती जमीन थी, लेकिन संयोग से बुद्ध विहार के सामने से हाईवे निकल गया। आज बुद्ध विहार लगभग 5 करोड़ की संपत्ति बन गया है। इसलिए वहां के भूमाफियाओं की, दबंगों की नजर खराब हो गई है, वो बुद्ध विहार पर कब्जा करके उसे मैरिज होम बनाना चाहते हैं। और भंते जी जो भारत के रहने वाले हैं उनको वो भगाना चाहते हैं। आज संविधान है, आज तुम्हारी 200 पार्टियां हैं, 1,00,000 संगठन हैं, आंखों में आंखें डालकर तुम बातें कर लेते हो, तब ये दशा है कि तुम्हारे बुद्ध विहारों पर कब्जा हो रहा है। विचार करिए, जब साकेत पर कब्जा हुआ होगा तब भी ऐसा ही रहा होगा। विचार करिए, जब बद्रीनाथ, केदारनाथ और तिरुपति बालाजी के बुद्ध विहार पर इन मनुवादियों ने कब्जा किया होगा, तब भी तुम्हारे मौन रहने की वजह से, तुम्हारे कमजोर होने की वजह से, तुम्हारे खुलकर के विचारधारा के साथ न आने की वजह से कब्जा हो गया होगा। मैं अपील करता हूं देश भारत के सभी संगठनों से, सभी बौद्ध भिक्षुओं से, सभी अंबेडकरवादियों से, अगर जिंदा हो तो नजर आओ। आज बुद्ध विहार कब्जा हो रहा है गोरखपुर में, योगी बाबा की नाक के नीचे, वहां के दबंग, वहां के भूमाफिया मिली भगत है सरकार की, कब्जा कर रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। भंते जी ने कहा कि मेरी लाश यहां से उठेगी, लेकिन मैं बुद्ध विहार छोड़ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये बुद्ध विहार बच्चे की तरह पाला है। 30 वर्ष हमने अपनी जवानी दी है, तब आके बुद्ध विहार हमने बनाया है। आज भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं गोरखपुर के आसपास के सभी जनपदों के लोगों से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, बाबा योगी से, कि आज बुद्ध विहार कब्जा हो रहा है। अगर कोई तुम्हारा मंदिर तोड़ेगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। जिस तरह से मंदिर तोड़ने वाले मुसलमानों से आप नफरत करते हो, उसी तरह से बुद्ध विहार तोड़ने वालों से हम भी नफरत करते हैं। इसलिए आज मैं अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान में ले, और मैं ये वीडियो ट्वीट करूंगा, फेसबुक पर डालूंगा, इसको व्हाट्सएप पर डालूंगा और बाबा योगी के सीएमओ पीएमओ हर जगह भेजूंगा ताकि उन्हें पता चले कि देश में हो क्या रहा है। आप सबका साथ सबका विकास बता रहे हो, आप कह रहे हो को सारे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, आप कह रहे हो सारे दबंग उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन ये दबंग कौन है तुम्हारी नाक के नीचे बुद्ध विहार कब्जा कर रहे हैं। भत्ते उत्तरानंद जी, आप अकेले नहीं हो, हम सभी आपके साथ हैं। और अगर 2-4 दिन में शासन प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया
बिहार को बचाने का, तो मैं स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ बुद्ध विहार पर पहुंचूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, धरना करूंगा और पूरे देश के जिंदा लोगों को बुला करके उस बुद्ध विहार को बचाने का प्रयास करूंगा। मैं आह्वान करता हूं, अच्छे दिनों में तुम्हारा अभिमान घमंड दिखता होगा, लेकिन ये बुरा वक्त चल रहा है। ये बुरा वक्त बाबा साहब के आंदोलन के लिए है, ये बुरा वक्त भगवान बुद्ध के आंदोलन के लिए है, ये बुरा वक्त संविधान के लिए है, ये बुरा वक्त हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के लिए है। अगर इस वक्त भी आप अलग अलग गुट बनाकर, अलग अलग पार्टी बनाकर, अलग अलग संगठन बना के घूमते रहे तो एक एक करके मारे जाओगे, बच नहीं पाओगे। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, आज भंते उत्तरानंद जी का साथ दीजिए, भीम ज्योति बुद्ध विहार को बचाइए। कैंपियरगंज थाने की पुलिस दबंगों का साथ दे रही है, कोई निर्णय नहीं ले रही है। मैं भी डीएम एसएसपी से भी बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो बाबा से बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के मिलने जाऊंगा, कहूंगा बाबा जी कभी कभी तो तुम कहते हो कि मैं भी बुद्ध परंपरा का, महायानी परंपरा का बौद्ध भिक्षु हूं, तुमने किताबें भी बहुत सारी लिखी हैं, मैंने पढ़ी हैं। आप विदेश में जाते हो कहते हो कि मैं भी योगी परंपरा भी भगवान बुद्ध की परंपरा की है, लेकिन बुद्ध विहार कब्जा हो रहा है, आप कहां हैं? इसलिए मैं आह्वान करता हूं, देश भारत के लोग जागो, तुम्हारी संपत्ति पर, तुम्हारे संस्कारों पर, तुम्हारे मान सम्मान पर, तुम्हारी विरासत पर दुश्मनों की बुरी नजर पड़ चुकी है। यह जातिवादी भारत है, पाखंडवादी भारत है, यहां विज्ञानवादी तर्कवादी लोगों की जिंदा नहीं रहने देते। इसलिए ये गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, लेकिन बुद्ध के विचारों से इनका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। आओ हम सब मिलकर के भंते उत्तरानंद जी का साथ देते हैं और भीम ज्योति बुद्ध विहार कैंपियरगंज को बचाने के लिए अभियान चलाते हैं। आप सभी लोग वहां पहुंचे और पहुंच करके भंते जी का साथ दें, और शासन प्रशासन से भी मेरी अपील है कि बुद्ध विहारों को दबंगों से बचाएं, भू माफियाओं से बचाएं, भू माफियाओं से मैरिज होम बनाना चाहते हैं उस बुद्ध विहार को बचाने के लिए पूरे भारत को साथ आना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो दुनिया में रह रहे बौद्धों से भी हमें अपील करनी पड़ेगी, लेकिन बुद्ध विहार की हम रक्षा करेंगे, उसे हम कब्जा नहीं होने देंगे, उसे हम कब्जा नहीं होने देंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।